कोई। आज महाराणा प्रताप वार्ड में हम सभी लोग चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं। आज से चूँकि गढ़ाकोटा नगर पालिका के चुनाव का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम शुरू हो गया है, उसी तारतम्य में आज दिन में हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय वार्ड का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की छोटी सी बैठक लेके महाराणा प्रताप वार्ड का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस वार्ड से हमारे सिख सभी कुरैशी और पराजी चर्चा यहाँ से लगातार तीसरी बार पार्षद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की और आज समर्थन काफ़ी अच्छा है और हम लोगों को आशा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाए। छोटा सोनू जो कांग्रेस पार्टी से खड़ा बेचारा कोरोना से पीड़ित हो गया था तो उस समय भी अपन ने उसकी मदद की। अपन भेदभाव नहीं करते, ना पार्टी का भेदभाव, ना जाति का भेदभाव, ना धर्म का भेदभाव, ना व्यक्ति का भेदभाव, सभी लोग एक बराबर, सभी लोग एक बराबर। हमने कभी भेदभाव नहीं किया और मैं आप लोगों को वचन देकर कहता हूँ इस एहसान की कीमत मरते दम तक चुकाने का प्रयास करूंगा। आपकी सेवा से पार्टी के लोग बैठे हैं, बहुत सच्चे लोग बैठे हैं। परिवार की बात हो रही, जब परिवार में किसी के घर में चार बर्तन होते हैं तो खनकते ही हैं, उनमें आवाज आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि परिवार के लोग हमेशा के लिए बुराई या भलाई मान के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ 10 लोग प्रत्याशी थे, पार्टी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट एक व्यक्ति को तो दी। 9 के 9 लोग उस प्रत्याशी के पक्ष में सबसे पहले, हमसे भी पहले समर्थन उसका प्रचार करने के लिए। तिलक वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ से हमारे मुश्ताक भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमें अभी हम लोगों ने सभी लोगों को संबोधित किया है यहाँ की जनता को और यहाँ का उत्साह बता रहा है कि निश्चित तौर पर 27 तारीख को जब मतदान होगा और 30 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो तिलक वार्ड में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की। Oh,
में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम वाटवासियों का एवं गलाकोटा नगर वासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार।